गाइस दिस इज जस्ट द कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट व्लॉग. हमको आई थिंक 12 बज गए थे खाना खाके वगैरह, और साढ़े बारह साढ़े बारह, और हम ये कर रहे थे, हिसाब कर रहे थे, मतलब दिन के हमने कितने पैसे किसने पे किए और हमको कितना किसको देना है. इट वॉज 12:41 आई थिंक 12:40 क्रॉस किए थे उस समय पे, वेन वी ऑल आर थ्री लेडीज, उन्होंने हमारे इस पे रूम पे नॉक किया. सो वी वर लाइक फर्स्ट में लाइक ऐसे, मतलब हमको ये हो गया, ये तो धक्का लग गया होगा. उधर ही उनका किचन है जहाँ पे हमारा रूम है. सो वी लाइक इग्नोर किया. सेकंड टाइम फिर से नॉक किया हमने डायरेक्टली उनको, फिर कॉल किया. मतलब कोई भी आ सकता है ना, हमको क्या पता होटल स्टाफ है क्या है. इतनी रात को तो कोई रूम सर्विस वगैरह कुछ नहीं होगा. तो लाइक हम पहले कॉल ही करते हैं, हम डायरेक्टली रूम नहीं खोलेंगे. तो हमने उनको कॉल कर दिया कि उनको, हमको हमने उनको बोला कि कोई रूम पे नॉक कर रहा है, कौन है करके. दे आर लाइक जो आपके पहले कोई था ना, उसने अपने उस कस्टमर ने अपना सामान इसमें ही रख दिया है, कबर्ड में ही छोड़ के चले गए, उनको उनको वो भूल गए, तो वो नॉक कर रहे. अरे आपका होटल लाइक आप कैसे अलाउ करोगे दूसरे कस्टमर्स को लोगों के रूम पे नॉक करने के लिए, डोर पे नॉक करने. बारह क्रॉस करके लेट, लाइक अगर कुछ 10-11 बजे होता तो फिर भी सोच लेते, इतने लेट आप. सो वी वर लाइक वी आर नॉट ओपनिंग द डोर, आप कल देखो जो भी है, कल सुबह हम देखेंगे आपको दे देंगे. मतलब जो हमको तो पता भी नहीं था कि रूम में कुछ है, मतलब जो कबर्ड दिया था ना उसको हैंडल ही नहीं था, तो वी वर लाइक ओपन ही नहीं होता है, हमको क्या ही करना है. बट जब उन्होंने बोला ना तो कंफर्म करने के लिए, मतलब कुछ भी हो सकता था ना, तो कंफर्म करने के लिए हमने ओपन किया कैसे कैसे करके, उंगलियां वगैरह डाल के. तो फिर उनका कुछ स्किन केयर था, वो इतना अगर उनको जरूरी होता तो वो जल्दी आ जाते ना, इतने लेट आने की कोई जरूरत ये ही नहीं था, नहीं तो कल सुबह आके करे. हमने बोला हम रूम नहीं खोल रहे हैं, आप सुबह जो है वो सुबह लेके जाओ. तो और फिर दे वर लाइक ओके, पहले बोला उन्होंने प्लीज करके, लाइक नो. सो दे वर लाइक ओके. फिर हमको बहुत डर लग गया. मतलब पहले तो पहले ही इतने प्रॉब्लम्स हो गए थे, एंड देन वी डिडंट वांट कि मतलब और भी कुछ ब्लंडर हो, सेफ ही फील नहीं हो रहा तो क्या फायदा. उसके बाद 1:30 बजे कुछ फिर से उन्होंने नॉक किया, बट वी इग्नोर्ड, वी लाइक अभी करने दो उनको, हम कॉल भी नहीं, अगर कॉल कर रहे हैं तो कॉल उठाएंगे भी नहीं और दरवाजा भी नहीं खोलेंगे, क्योंकि हमने ना हमारा जो एक्स्ट्रा सेफ्टी लॉक लेके गए थे ना, हमने वो सब वगैरह सब लगा दिया था. हाँ, तो वी वर प्रीटी सेफ. वो लगा रखा था, हमारे सूटकेसेस वगैरह सब दरवाजे को लगा के रखे और चेयर्स वगैरह सब लगा के रख दिया. अभी कुछ ये भी हुआ तो हम, और हमारे पास सब था पेपर स्प्रे स्प्रे वगैरह, वो हमने बाहर निकाल के रख दिया, अगर कुछ भी होता है तो फिर हम हमला कर देंगे. हमारे जो सेफ्टी मेजर्स हम कर सकते थे वो हमने कर लिए. So, वो किया ही नहीं दरवाजा, और हम फिर से उस दिन भी लाइट ही जला के सोए हैं, और फिर बहुत लेट सोए हैं हम, कुछ दो या हमने रूम देखने सर्च कर दिए, मतलब दूसरे रूम, बिकॉज वी वर लाइक इधर तो कुछ इधर तो नहीं रहना है, नहीं है इधर वगैरह. हम तीनों बहुत डर गए थे क्योंकि इतने लेट तो लड़कियां ही हम, और उसमें आके आप नॉक करते हो इतने लेट. अगर आपको बोला हमने फिर से कॉल करके कि नहीं हो रहा है करके, हम दरवाजा नहीं खोल रहे, फिर से वो लोग नॉक करते, आप कैसे कस्टमर को दूसरे कस्टमर को भेजा है थी, विच डजंट इवन मेक सेंस. कौन से माइंडसेट से कौन आता है हमको नहीं पता है ना, हम क्यों ही कॉल है भाई. सो वी वर लाइक जस्ट फॉरगेट इट, हम दूसरा रूम ढूंढते हैं. तो दूसरे दिन हमारा प्लान था कि हम लाइक कुछ आइटनरी के इसके इस पे जा ही नहीं रहा था, लाइक जो होता है वो देखते हैं, पहले रूम देखते हैं. हाँ, तो वी लाइक हम उठे सुबह, हमने दूसरे रूम देखे, और हमने रात को ही एक रूम फाइनलाइज किया था कि उधर ही 10 मिनट की दूरी पे था, तो उधर हम गए, उधर हमको रूम अच्छे लगे, फर्स्ट ग्लैंस पे अच्छे लगे. सो वी वर लाइक ओके विल शिफ्ट हियर, इट इज गुड, ये भी अच्छा है, एनवायरमेंट भी अच्छा है, और लोग भी अच्छे ही दिख रहे हैं. तो उधर गए हम, वो हमको ऑलमोस्ट डबल मिला, मतलब डबल रेट पे मिला. सो उसके उस पर हमको ये हो गया कि ये अगर 2 दिन भी लेते हैं तो बहुत खर्चा हो जाएगा. इधर रूम पे खर्चा करेंगे तो बाद में शॉपिंग वगैरह किधर से करेंगे, और हमारे 4 या 5 दिन थे बचे थे. हाँ, तो अगर इतनी जल्द इतना खर्चा कर दिया तो बाद में आगे के दिन में हम क्या खाएंगे पिएंगे क्या, और फिर रूम का भी ये नहीं है. और सिर्फ हमारा लास्ट डे का एक दूसरे होटल में था, उसमें वो लग्जरियस रिजॉर्ट था,
वो हमने बुकिंग वगैरह करके गए थे और इसका भी बुकिंग कर दिया था, पर इन लोगों के कांड के वजह से वो छोड़ना पड़ा। तो हमने वो रूम देखा, हमने बोला एक दिन के लिए अभी के लिए ले लेते हैं, बाद का बाद में देखेंगे। उधर हमने लिया एंड फिर हम इधर चेकआउट करने के लिए आ गए ना, लगेज वगैरह लेने के। उधर ये हमको डॉस दिखा रहे अलग ही, मतलब हमारे ऊपर टॉन्ट्स जैसे बोलते हैं ना, वैसे दे रहे, बड़बड़ा रहे हैं। हमको नहीं बोल रहे हैं क्योंकि बाद में उनको रिव्यू वगैरह मिलेगा ना। रिसेप्शन पे जो लड़की थी वो बोल रही है कि अगर मुझको पता होता तो मैं उनको दूसरा रूम चेंज करके ही नहीं। अरे हमने बहन से पे कर दिए, तो आपकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की है कि हमको सेफ रूम दो। तो फिर हमने उनको पूछा, वो जो मेन था वो बोल रहे हैं आपको हमने बोला था कि अगर वो रूम, अगर लाइक जो हमने उनको बोला था, हमने लास्ट टाइम हम जो आए थे ना वो रूम हमको चाहिए करके, तो वो बोल रहे आपने वो बोला था ना कि लास्ट टाइम अगर वो रूम दिया आपको, जो लाइक जो हमको लास्ट दिया था ना वो रूम देख के आपको दिया, तो आप लोग इधर ही रहोगे करके। सो वी लाइक इधर ही रहने वाले थे, पर रात को लाइक 11 बजे कौन आके लोगों के रूम पे नॉक करता है। तो फिर वो पूछने लगा अपने जो कर ये था ना कौन नॉक कर रहा था करके, तो उन्होंने बोला क्लियर कर दिया। और फिर भी वो हमको यही कर रहे थे, मतलब ये हो मतलब हमको वो हमारे सामने ही आपस में बात कर रहे कि वो जो 20 कौन से रूम में था वो उसको चूहा नहीं मिला ना। अरे हमको दिख गया भाई, हमारी गलती है क्या? हमने मैंने डायरेक्टली बोल दिया अगर वीडियो निकालते ना तो आपको दिखा देते, आपको क्या पूरे जग को दिखा देते बाद में। हम लिटरली लास्ट दो बार जो गए थे उसी होटल में रुके थे, हमको उधर का रिसेप्शनिस्ट बोलो, लोकेशन बोलो, रूम्स बोलो, रेट्स बोलो, बहुत ही अच्छा लगता है। उधर गए हम, बट अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, आपको बात करने का तरीका नहीं है, तो कौन ही आएगा भाई रिटर्न आपके होटल में। एक्चुअली उनके रेट्स बहुत ही हाई है, बट वी लाइक अगर तो वो दूसरा रूम ढूंढने को गए फिर टाइम लग जाएगा, इसलिए वी लाइक ट्रस्टेड है ना। और हम गए थे इधर दो बार, तो तीसरी बार भी इधर ही चलते, इधर बुकिंग वगैरह सब करके आए थे हम। तो हम गए, हमने उनसे तो मैंने बहुत नहीं की, लाइक फॉरगेट इट, उधर से लिए हमने पैसे, उधर चेक इन किया एंड देन हमने जो था वो किया, मतलब आपको दिख जाएगा ब्लॉग में। और उस रूम में प्रॉब्लम आ गया कि मतलब जो बाथरूम था, कमोड था टॉयलेट का, वो दरवाजा बंद नहीं था, मतलब ये नहीं था, एनक्लोज नहीं था, कुछ तो उसको होना चाहिए ना, वो डायरेक्टली इसमें आता था, मतलब जो ग्लास डोर है ना उनको इतना बड़ा गैप है, मतलब इधर बाथरूम है और इधर ही बेड है, जो आपने किया है सामान प्रोड्यूस वो उसके सारे जर्म्स हमारे बेड पे आ जाते हैं। मतलब वो रूम तो बहुत अच्छा था, बट झूला वगैरह हैमक वगैरह बहुत अच्छा था उनका, बट लाइक एक दिन के लिए ये करते हैं, थैंकफुली हमने एक ही दिन के लिए किया था वो, पहले हम दो दिन के लिए करने वाले थे, बट वी लाइक पहले इतना कांड हुआ है नहीं करना, आज एक दिन देखते हैं और फिर अगर चाहिए तो दूसरे दिन हम कर लिए। तो एक दिन दिया हमें, उधर भी हमारा मूड ऑफ हो गया और उधर रात को हम बैठे, हमने खाना वगैरह खाया है बोले, और पूल का रात को उधर हमने क्या सोचा था कि रात को ब्लैक पूल है ना उधर, तो रात को फिर अलाउड होगा करके हम जाएंगे उधर और स्विम करेंगे करके थोड़ा टाइम उधर स्पेंड करेंगे। बट उनका पूल का क्या था, 5 उनका पूल बंद। अरे जो लाइक अगर बारिश होती तो भी ठीक था, बट इतना इतनी धूप में किसी कौन ही जाएगा उस पूल में इतनी सुबह, ये लाइक दिन के टाइम पे, अगर रात को कुछ होता शाम को 6 लाइक कुछ 8 बजे लास्ट मिनट 5 ही आप बंद कर रहे हो, क्या सेंस बनता है। और पहले मेंशन नहीं किया था, वो पूरा ऊपर स्विमिंग पूल के पास ही लगा है, बाकी का सब पोस्टर मार के लगा है, बट दिस होटल वाज स्टिल गुड, बट सिर्फ वो जर्म्स की वजह से वी वर लाइक ना नहीं हो रहा है। सो उधर से हमने चेकआउट किया, और ना चेकआउट नहीं, पहले रात को हम बैठे एंड वी वर लाइक अभी पैसे भी खत्म हो गए हैं, रूम्स भी हमको अच्छे नहीं मिल रहे हैं, सो व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू। और बारिश तो बारिश का नाम ही नहीं है, नामों पता ही नहीं लग रहा है कि बारिश का सीजन है करके। सो वी वर लाइक फॉरगेट इट, हम क्या करते हैं, जो हमारी ट्रेन की बुकिंग थी आने के लिए, रिटर्न टिकट थी, वो हम ये मैंने बाय मिस्टेक, भगवान भी सॉलिड ये करता है, बाय मिस्टेक हमने 1500 दे के ये किया था, मतलब अगर आप ट्रेन कैंसिल कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, तो आपको फुल अमाउंट मिल जाएगा, वो एक शुक्र था, मतलब वो जो उधर गए हैं तो इधर तो कुछ मिले।
सो वी वर लाइक, और हमने जो लास्ट दिन का बुकिंग किया था वो भी चेंज होता था, मतलब मॉडिफाई कर सकते थे, वो आगे ले जा सकते थे या कैंसिल कर सकते थे. इसका मन क्या था, लाइक हम इधर शिरडी पे हम इसमें जाएंगे वंदे भारत में जाएंगे, और आते वक्त वो विस्टाडोम में वो बहुत लग्जरियस रिक्लाइनर वाले सीट्स है, और पूरा कोंकण दिखता है, मतलब उनके पूरा ग्लास वगैरह का है और व्यूइंग गैलरी है. हमने रील्स देखे. अगर आप तारक मेहता देखते हो तो आपको पता ही होगा जो भिड़े ने बोला था, बारिश में कोंकण क्या लगता है. सो लाइक कोंकण तो देखना है. हमने लिटरली, मुझे पता नहीं, महीना भी नहीं, महीने से ऊपर मैनिफेस्ट कर रखा था कि इधर जाएंगे, ये देखेंगे, ऐसे रील्स करेंगे, और सब सेव करके रख दिया था. लाइक इधर जाएंगे कहीं पे जा रहे, बैंड्रा का सेपरेट, वर्ली से वर्ली रोड वो उसका सेपरेट, और कहीं तो सब लाइक डिफरेंट डिफरेंट ये करके रख दिए थे. एल्बम सेव्ड में उसमें इंस्टाग्राम पे. तो इधर हाँ, जब इस साइड में जाएंगे तब ये एक्सप्लोर करेंगे. अगर कहीं पे और जा रहे हैं तो वो एक्सप्लोर करेंगे. तो वो हो गया, हमने मॉडिफाई कर दिया. लाइक नहीं चाहिए हमको, नहीं हो रहा है हमसे, मतलब पूरा सब कुछ गड़बड़ जा रहा है. एक दिन हम बीच में मार्केट में गए थे कोलाबा में. हाँ, कोलाबा में जाके आए. उधर भी बहुत ही धूप थी, बहुत गर्दी, क्योंकि वो उस दिन संडे नहीं, ईद के दिन चले गए हो ना भाई. ईद का दिन खोला, ईद के पहले चले गए. संडे था, संडे को बहुत भीड़ थी. सो वी वर लाइक, और हमको शॉपिंग भी ज्यादा कुछ नहीं मिली और बहुत हीट थी. सो वी लाइक, कुछ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जा रहे, हम घर ही जाते. मतलब जो एक रिजॉर्ट था वो आगे मॉडिफाई करके आगे ले लेते हैं, मतलब कल के लिए बुक कर लेते हैं, और ट्रेन की टिकट्स जो है जो कैंसिल करके उतरी पैसे लेके उसमें हम फ्लाइट की टिकट्स बुक कर लेते. हमने सोचा था कि हम ट्रेन में जाएंगे. ईशा लाइक ट्रेन में नहीं जाना है, चलो बस में जाते हैं, बस में भी नहीं जाना. सो लाइक चलो, अगर उसको अभी उसने बोला प्लेन में जाएंगे करके, क्योंकि एक घंटे में तो पहुंचने वाले थे, और हम बहुत ही थक गए थे, बहुत ही तंग आ गए. हाँ, वो ट्रिप बहुत ही हम तंग आ गए. तो सो लाइक चलो, एक घंटे में पहुंच भी जाएंगे, चलो इसका ही करते हैं, प्लेन का ही करते हैं. तो हमने किया वो. हाँ, वो जो एंड उसकी डेट आगे लाए वो लग्जरियस रिजॉर्ट की, और ये कैंसिल किया विस्टाडोम. और ट्रेन की फ्लाइट की टिकट बुक करी, उसको हमको 800 कुछ ज्यादा लगी, और जो मॉडिफाई किया था उसको 400 ज्यादा लगे. तो लाइक फॉरगेट इट, ऐसे ही करते हैं कुछ. और उधर हम गए, द बेस्ट पार्ट, जो लग्जरियस रिजॉर्ट में गए थे, हमको पहले पता था कि मंडे को पूल बंद रहता है. मतलब हम जब बुक कर रहे थे तो लाइक मंडे को ऑब्वियसली नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि पूल तो वगैरह चाहिए ना, पूल वगैरह कुछ भी करने के लिए, जिम वगैरह तो चाहिए ना, एटलीस्ट कुछ करते नहीं बट स्टिल देखने के लिए. गेस व्हाट, हमने मंडे को ही बुक कर दिया वो, और हमको लिटरली तीनों को भनक, मतलब ये भी नहीं आया, एक थॉट भी नहीं आया कि मंडे को बंद होता है. उधर जाके जब उन्होंने बोला कि, और वो ईद का दिन था. हाँ हाँ, उसी दिन ईद था, और क्रॉफर्ड भी जा नहीं सकते. हाँ, वो जो काउंटर था वो काउंटर पे बोलता है फुल 4 बजे को ओपन होगा. वी लाइक वेरी हैप्पी, फुल 4 बजे बंद होगा, खुला होगा. तो हम पूल पे जाते हैं आज, ये करते हैं, मतलब पहले रूम में रुकते हैं, नहीं तो कुछ खाना खाते. हमारा उस दिन का प्लान था कि पूरे दिन जो लग्जरियस रिजॉर्ट बुक किया था पूरे दिन उधर ही चिल करेंगे करके, क्योंकि हमारा तो सब हो गया था और सब भी बेकार जा रहा था. और हमने पहले ही सोच के रख दिया था कि हम लास्ट डे जो है वो उस दिन हम सिर्फ रूम में चिल करेंगे करके. तो हम वो किया हमने. हाँ, फिर हम ऊपर सामान लेके सब ऊपर चले गए. तो हमने उस इसको पूछा, जो रूम बॉय होते हैं ना, उनको पूछा कि पूल अभी आज खुला है ना. लाइक हाँ, उधर हमने बोर्ड देख लिया कि मंडे को क्लोज है करके, जिसमें इसकी इधर वो बाहर काउंटर के नहीं कहा देख लिया हमने, लिफ्ट में देख लिया कि मंडे को पूल्स बंद है. फिर इन दोनों को, हमको तीनों को याद आया, ओ आज मंडे, आज मंडे के लिए हमने फिर से कांड कर दिया, मंडे का बुक कर दिया और मंडे को पूल बंद. फिर हमने उनको पूछ दिया, वो रूम बॉय को, कि आज खुला है ना. सो इज लाइक नहीं, आज तो बंद है, मेंटेनेंस के लिए बंद है, जिम वगैरह सब बंद रहता है, और बैडमिंटन कोर्ट भी है उनका, पर आपको बैडमिंटन लेके आना है. वो उधर जाके बोलते हैं वेकेशन पे हम बैडमिंटन कोर्ट ये लेके आएंगे. अरे आप लोगों ने अगर उधर प्रोवाइड किया है तो आप एक एक बैडमिंटन रख लो ना उधर.
तो वो आपने एक्चुअली अगर बैडमिंटन का ऐसा होता है तो आपने वो पहले ही बताना चाहिए था ना, मेंशन कर देना चाहिए था, वो भी उन्होंने नहीं बताया। और पूल का कांड, जिम भी बंद, सब भी बंद, सब लाइक वो बैडमिंटन भी खेलने को नहीं मिला और हमारा पूरा मूड ऑफ हो गया। लाइक ये ट्रिप तो बकवास ही है, अभी और कुछ एक्सपेक्ट करना बनता ही नहीं है। सो वी लाइक अभी रिजॉर्ट में तो रुक के रूम में तो नहीं बैठ सकते, सो वी वर लाइक चलो क्रॉफर्ड मार्केट चलते। क्रॉफर्ड गए ना? ना क्रॉफर्ड नहीं गए, क्रॉफर्ड नहीं गए, फिनिक्स नहीं गए। हम फिनिक्स मार्केट में 3 या 4 राउंड मार चुके हैं। हम गए फिनिक्स में, हमने उधर कुछ मतलब किया, टाइम पास किया, खाया कुछ किया कुछ, एंड देन वी रिटर्न टू द रूम। फिर रूम में आके हमने उन्हीं के रेस्टोरेंट, पहले हमको भूख नहीं लगी थी, सुबह लाइक कुछ लेके नहीं जाएंगे, अगर भूख लगी तो बाद में देखते हैं। और उनका होटल में जो था नॉनवेज अलाउड नहीं था, स्वीटी भी अलाउड नहीं था, कुछ नहीं था। तो और वो होटल जो था बहुत ही अंदर, लाइक बहुत अंदर नहीं था बट काफी अंदर था, काफी अंदर था। तो उधर से अभी बाहर कौन जाएगा, फिर से उबर करनी पड़ेगी। लाइक उधर ही रेस्टोरेंट है, रूफटॉप रेस्टोरेंट, उधर खाते खाना। पिज्जा जो था उसको टेस्ट नहीं था, कुछ नहीं था, वो आपको हम बता देंगे बाद में। फूड फायर बोल के कौन सा पिज्जा लेके आए वेटर्स को, मतलब रेस्टोरेंट में जहाँ पे आप खाना सर्व करते हो उधर उनको, उनके पास पानी नहीं है, मतलब यू हैव टू बाय इट। रेगुलर पानी होता है, रेगुलर पानी नहीं देते वो। व्हाट सेंस डज इट मेक? सो आई वाज लाइक कोक ही लिया हमने, लाइक लास्ट डे है, कुछ भी करते चलो घर, मतलब खाते हैं वगैरह। खाया हमने वो कैसे कैसे करके, और फिर हम आ गए और हमारा डिसअपॉइंट हो गया कि खाना अच्छा नहीं था। और हमारा प्लान था कि सुबह 6 बजे उठेंगे और जिम और पूल करेंगे, मतलब ये करेंगे। हमने डिजर्ट्स लाए थे, डोनट्स, 3 डोनट्स लाए थे, तो वो हमने फिर लेट रात को खाया। फिर ये सुबह 6 बजे उठी एंड शी वाज लाइक चलो चलो चलते हैं। आई वाज सो डन, मतलब 3 दिन से जो नींद नहीं थी ना वो पूरी उस रात को आ गई। मतलब मेट्रेस डाला था ना, वो रूम बहुत अच्छा, रूम में बहुत अच्छा आया मुझे, बहुत अच्छा। और हमने लाइट्स वगैरह 2 दिन के लिए तो बंद कर दी थी, सो वी वर लाइक फॉरगेट इट, अभी पूल गोवा में ही जाके करेंगे जो करना है। मुझे एक्चुअली जाना था, मैं विंडो से उधर झांक रही हूँ कि एक आदमी कोई स्विम कर रहा है, मैं उसको बोल रही हूँ चलो यार कोई, हम दोनों, वो ईशा बोल रही थी कि उसको इंटरेस्ट ही नहीं है पूल में, उसके घर पे पूल है तो उस, वो बोल रही है मैं उधर जा सकती हूँ तो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं। मैं इसको बोल रही हूँ चलो हम तो चलते हैं, हमारे पैसे नहीं है, इतना पैसा दिया है तो कुछ तो करते हैं उसका। शी इज लाइक नहीं, मुझे नींद में मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता है, पूल हो कुछ भी हो, सो वी लाइक फॉरगेट इट। तो फिर मैं भी सो गई, मैं अकेली इधर बैठ के क्या करूँ। हम सो गए, बाद में हम कुछ 10 बजे उठे आए गए, उठ के हम जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट के लिए भागे, जो ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था। फिर हम रिटर्न आके चेकआउट किया और अब दूसरे दिन हम गए क्रॉफर्ड, बिकॉज उस दिन नहीं जा सकते थे, सामान हमने उस रूम में उधर ही रखा हमने और रिसेप्शन पे रख दिया। हम गए क्रॉफर्ड में, हाँ 5 बजे बेस्ट, 7 बजे हमारा ये था फ्लाइट थी, फ्लाइट थी। सो क्रॉफर्ड में गए लास्ट टाइम, लाइक चलो क्रॉफर्ड जब थे मुझे, हमको जो था शॉपिंग से क्या इसका था, मतलब था कि क्रॉफर्ड मार्केट, क्रॉफर्ड और आइकिया सिर्फ दो ही चेक, कपड़े वगैरह आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्रॉपर्ड और आइकिया में चलते हैं क्योंकि मुझे लाइक उधर मजा आता है, लाइक जो बहुत अच्छे सामान होते हैं भाई और रेट्स भी रिजनेबल होते हैं। सो लाइक और मुझे ये चाहिए था सिपर वगैरह, बट क्रॉफर्ड में गए उतर, एक उतर, छाता लिया। हाँ, पहले बहुत सनी, लाइक बहुत ही ये था सनी, इसलिए उसी दिन हमने रेनकोट निकाल के सूटकेस में रख दिया कि अभी नहीं चाहिए, बारिश नहीं है तो क्या करना है इसका। तो हम पहले सनी था, हम इसमें से उतर गए, कैब में से, कैब किया था हमने उस दिन, तो हम उधर से उतर गए। हमने चलते चलते बारीक बारीक बारिश आने लगा, वे लाइक वाह ऐसे ही रहने दो, ज्यादा मत आओ, हाँ क्योंकि हमको शॉपिंग करना है। तो फिर हम चले गए मार्केट में, देखा थोड़ा, लाइक स्टार्टिंग ही लैंड में उधर दो स्टॉल हमने ये किए होंगे, दो जो ये होते हैं वो क्रॉस किए होंगे, बारिश आ गई। पहले हमने एक छाता लिया, पहले हमको मुझे वॉशरूम जाना था तो हम वॉशरूम चले गए, उधर रेस्टोरेंट में चले गए और कुछ एक जलजीरा या कुछ पिया और उसने एक लाइम सोडा पिया और हम निकल गए उधर से, समोसा वगैरह कुछ खाया और निकल गए। लाइक चलो अभी हम घूमते हैं कुछ, हम उधर क्या 11 बजे थे ना, 11
आई थिंक 12 कुछ 12 1 बजे और लाइक 2 बजे तक हम ये सब ये करते हैं, निपटा के चले जाएंगे। हम कैब करके चलते हैं, लाइक सामान लेते हैं और फिर एयरपोर्ट पे चलते हैं, क्योंकि अगर बाद में लेट हुआ ट्रैफिक की वजह से, बाद में फिर से हम ये हो गया गड़बड़ हो गया तो फिर ये हो जाएगा। तो हमने एक छाता लिया रास्ते पे से, वो उधर बहुत ही अच्छे छाते थे और रिजनेबल रेट थे, तो मैंने वो छाता उठाया और फिर हम चले गए। तो थोड़ा और बड़ा आने लगा बारिश, तो लाइक चलो देखते हैं, ऐसे ही भीगते हैं, छाता वगैरह कुछ नहीं खोलते, नहीं तो बाद में वो एयरपोर्ट पे कहाँ हम भिगा सुखाने के लिए रखेंगे, तो हमारे पास वाटर भी नहीं है उस दिन ना, तो लाइक वो क्या क्यों ये करेंगे, खोलेंगे क्यों वो, डायरेक्टली हम ऐसे घूमते। हम कुर्ता देखने लगे, मैं मम्मी को एक कुर्ता लेने वाली थी, कुर्ता देखने लगे, वो बोल रहे, फिर बारिश मोटा आने लगा, वो बोल रहा है भाई साहब कि जो साइड वाले छाता, साइड वाला जो ये था स्टॉल, उनके वो छाते लगे होते ना, वो बोल रहे उस पर कब ये भी गिर रहे, कलर गिर रहे, तो उन्होंने वो बंद कर दिया उसका, उनका ये कितने होते उनके कपड़े कितने मोटे होते कपड़े भाई, हाँ, जो कुर्ती वगैरह थे वो बंद कर दिए, ऐसे ही देख लो, वो मैं देख रही हूँ अभी, और मोटा आने लगा, और बड़ा आने लगा, लाइक जस्ट बंद करके हम उधर रुक गए, सब सब लोगों ने अपने ये शॉप्स बंद कर दिए, और हम पॉलिथीन वगैरह डाल के 20 मिनट उधर ही रुके कि अभी रुक जाएगी, अभी रुक जाएगी, अभी रुक जाएगी। वो अगर मोटा आता तो जल्दी चला जाता, लेकिन वो धीमे धीमे आ रहा था, जिसमें आप भीग सकते हो। हाँ, सो वी वर लाइक जस्ट फॉरगेट इट, हमको नहीं हो रहा है, फिर भी हमने बारिश में भीग के ही ऐसे चले गए हैं हम। और फिर बहुत देर, लाइक 1-1.5 बजे तक हम रुके, हम लेट भी नहीं कर सकते ना, 2 बजे हो गए थे मुझे लगता है, हम लेट भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि फ्लाइट थी, तो लाइक जस्ट फॉरगेट इट। और मैंने लास्ट मिनट इनको बोल दिया कि अभी आए हैं तो इधर दादर है ना लागी पास में, तो हम अशोक वड़ा पाव खाते हैं, तो वो प्लान इंस्टेंटली बन गया था ना, तो वो और सक्सेसफुल हो गया, हम गए खाए वगैरह वो। रुको, टैक्सी में बैठते ही धूप आ गई, लाइक यही चाहिए था। और इसने पहले ही बोला था कि जब हम टैक्सी में बैठेंगे तब बारिश थम जाएगी, और धूप आ गई, लाइक बारिश थम के धूप भी आ गई, तो हमारा ही नसीब खोटा है, हम क्यों हमारा नसीब का उन लोगों को ये करते हैं, हम चलते हैं। फिर हम दादर चले गए, उधर आई वॉज लाइक अगर बारिश भी आ गई, आंधी भी आ गई, आज मैं ये वड़ा पाव खा के ही जाऊंगी घर के घर, क्योंकि सब कुछ तो फेल हो रहा है और ये एक लास्ट में जो है वो भी सुख नहीं मिल रहा है, तो क्या ही फायदा। तो हमने खाया वड़ा पाव, एंड देन दैट टैक्सी, फिर वो जो उधर से वड़ा पाव से जो रिजॉर्ट टैक्सी थी, वो थर्ड क्लास टैक्सी, उसका एसी नहीं चल रहा था, वो बहुत धीमे चला रहा था, भाई हमको फ्लाइट पकड़नी है, इधर ही रहेंगे, उसी टाइम पे अपना टायर ये कर रहा है, लाइक बहुत ही सुशाघात तरीके से, लाइक अभी कब पहुंचेंगे पता नहीं, अगर ट्रैफिक हो गया तो बाद में तो खत्म। तो फिर हम पहुंच गए रिजॉर्ट में, एंड देन गेस व्हाट, धमाकेदार बारिश होने स्टार्ट हो गई, मतलब जो रिजॉर्ट का वो पूरा फील था बारिश में ही आने वाला था ना, वो आ गया कब, जब हम निकलने वाले हैं गोवा के लिए, सो वी वर में तो जान नहीं सकते, लेट्स नॉट इवन थिंक अबाउट इट। उधर से हमने जल्दी जल्दी ये लिया, सूटकेसेस वगैरह फ्रेशन अप हो गए और कैब बुला दी, और वी वर लाइक चलो अभी एयरपोर्ट के लिए, अभी रिग्रेट भी नहीं हो रहा है कि हमको ये नहीं मिला, क्योंकि हमारा ही नसीब खोटा है। सो हम चले गए, एंड देन फ्लाइट, फ्लाइट में और एक ये हो गया, वो बहुत ही, ये कैब जो थी बहुत ही अच्छी थी, उसने जल्दी से जल्दी हमको पहुंचा दिया, और बहुत ही सेंट्रलाइज्ड एसी थी उसकी, अर्टिगा थी ना, तो पूरी अच्छी। फिर हम सामान चेकिंग करने के लिए गए, हमारा 17-17 किलो था, मतलब ज्यादा था, और ईशा का 11 था, मतलब वो उसके इसमें एडजस्ट हो गया, 15-15 अलाउड होता है ना, तो उसके उसमें एडजस्ट हो गया। और दो छाते थे ना, आईकिया से लिया हुआ था एक छाता और एक क्रॉफर्ड से, सो दे बोले कि वो अलाउ नहीं करेगा, ईशा का छाता था वो उसने गाड़ी में ही छोड़ दिया, तो शी वाज लाइक रहने दो फॉरगेट। तो अभी हमको, हमारे पास छाते थे, वो बोल रहे एक तो छाता उधर छोड़ दो, नहीं तो वो पैक करवा के लेके आ, उधर भी पे बोले एक छाते बहुत अच्छे दाम में मिल गए हमको, बट पैकिंग करते समय उधर 600 जस्ट फॉर दैट पैकिंग,
देन लाइक फॉरगेट इट, चलो पैकिंग कर, बाहर तो नहीं उड़ा सकते, इतने अच्छे छाते लेके आए, दुख होता भाई। फिर हमने पैक किया, उनको दिया, एंड देन वी वेंट थियोब्रोमा से, हमने ब्राउनी ली जो अभी भी इसने नहीं खाई है, बहुत अच्छी नहीं, इसने बोला मुझे बहुत बहुत बेकारी है। फिर हम आ गए और गोवा में आके जो सुकून मिला है पैकिंग खाने से ही करते हैं। तो हम मुरलीधर में गए थे, स्वीट शॉप है उधर, बोरीवली नहीं पड़ गए, बोरीवली ईस्ट या वेस्ट कुछ तो था, बोरीवली वेस्ट। तो हम उधर से सेवपुरी की मतलब पापड़ी लाए हैं, और ये तो आपको पता ही होगा मोटी सर जी जीता था मैंने टाइम जोन में, ये खाकरा लाया था भाई साहब, द बेस्ट खाकरा हेड, मतलब मैंने बहुत तरीके के खाए हैं, ऑथेंटिक वाले नहीं खाए हैं क्योंकि कभी मिले ही नहीं, बट ये वाला बहुत अच्छा था। ये है बूंदी लाई थी हमने, जो हमने अभी तक खाई भी नहीं थी, बहुत घी का बहुत एविडेंट टेस्ट आ रहा है। और ये है सैफरन, सैफरन केसर, बहुत अच्छा है ये, बहुत ही नहीं गए भाई, यूज भी नहीं थे, मुझे पता है बहुत अच्छा। और ये लाए है इसने आइस हलवा, मतलब ये होता है क्योंकि बहुत अच्छा है, मैंने गोवा में खाए है बट गोवा लाइक ऐसे नहीं खाए है, लाइक ये ऑथेंटिक की तरह के, मैंने ऑथेंटिक तो नहीं खाए है, ये देखो बट ये बहुत ही आइस हलवा, दो मिक्स लाए थे हमने, ये और केसर वाला पिस्ता, तो यस खाने के लिए हमने इतना ही लाया है, बाकी का हमने खा लिया लगता है, और कुछ ज़्यादा नहीं लाए थे, बट यही था जो था। तो फिर हमने खाया ये जलजीरा चलानी जलजीरा, ये हमने लास्ट टाइम पिया था क्रॉफर्ड मार्केट में, जो कि बहुत ही अच्छा था। सो और फिर हम रिग्रेट कर रहे थे कि शिट हमने पैकेट्स, इसने बोला उधर पैकेट्स वगैरह वो ये कर रहे थे करके, लाइक बिग सेल कर रहे थे, सो लाइक इसने बेच रहे, हाँ मैंने बोला बेच रहे थे तो कितने क्यों नहीं बताया, फिर लाइक मुझे याद ही नहीं रहा। सो ये हमने लाए पैकेट 20-20 रुपये के, मैंने 20 रुपये के और ईशा ने 20 रुपये के, तो ये हमने प्रॉपर मार्केट से लिया है। ये लिया है हमने आइकिया से, इसने लिया है बीटरूट पर्पल स्वीट पटेटो, ओके दिस इज पर्पल स्वीट पटेटो विद आमचूर एंड दिस इज क्रिस्पी बीटरूट विद हिमालयन रॉक सॉल्ट, ये हमने टेस्ट किया था, इसे ये हमने नहीं किया, ये किया है हमने टेस्ट, ये नहीं किया है, क्या बोल रही है बहन, ये उन्होंने टेस्टिंग के लिए दिया था और ये हमने नहीं किया, हमने ये आपने किया है, तो ये हम लाए हैं 80 रुपीज़, बहुत ज़्यादा नहीं होते लेकिन टेस्ट अच्छा है इनका और हेल्दी स्नैक है, तो फिर आपको हमको देख के लग रहा ही होगा कि हम बहुत हेल्दी खाते हैं। ये मेरा डब्बा है भाई, मैंने ये आइकिया से लेके आए हम ये डब्बा, ये और ये डब्बा और ये लीड सेपरेट सेपरेट, अगर कुछ लिंक वगैरह चाहिए तो दूसरे चैनल आकांक्षा के करके उधर लिंक हो जाए। और ये भी हमने आइकिया से लिया है, ये है एक आयरनिंग बोर्ड, हमको जब लास्ट टाइम हम शिरडी के लिए जो कपड़े प्रेस कर रहे थे वो हमको बहुत ही दिक्कत आ रही थी, सो लाइक इसने बोला आइकिया में बहुत अच्छे हैं, सो हमने सोचा नहीं था कि हम लाएंगे करके, बट हमने बोला कि ये बहुत ही कम रेट में, इसका भी लिंक अगर चाहिए तो वो अनबॉक्सिंग चैनल, मतलब रिव्यू हम अनबॉक्सिंग चैनल पे दे रहे हैं। इसने क्या किया, फरक फरक करके खोल दिया और ये उधर स्टार्टिंग में ही फाड़ दी दिया जिसको कट लग गया बाय मिस्टेक, तो इसका कपड़ा बहुत ही पतला है, तो आप उधर देख जाके देखो। ये भी मैंने लिया है क्रॉफर्ड मार्केट में, उधर हम खड़े थे क्योंकि बारिश आ रही थी, उधर मुझको ये फितरिस दिख रहा है तो मुझे ये लेते, बट ये क्या मेरा बाल देखो कितने बेबी और ये कितना स्ट्रेट और फालतू ही है, 50 रुपये क्या ही एक्सपेक्ट कर रही है, लाइक चलो ले ही लेते। और हमने आइकिया से और एक स्टोरेज यूनिट लिया है, मतलब ये कपड़े रखने के लिए हैंगर्स के साथ स्टोरेज यूनिट लाया, जो हमने लास्ट बार लाया था और मुझे बहुत पसंद आया था, हम उसमें सारे कैमरा के इक्विपमेंट्स रखते हैं, तो इस बार हमने एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए लाया है, तो यस। तो हमने फिर ये क्रॉफर्ड मार्केट में ये पापा के लिए लिया था शॉर्ट्स, ये शॉर्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, ये बोलते हैं जैक एंड जोन्स के लेकर के, बट ओनर के नहीं है भाई क्रॉफर्ड मार्केट के, और स्ट्रेचेबल भी है तो मुझे ये पसंद आई तो मैंने ये ले लिया है, मम्मी के लिए कुछ लेने के लिए नहीं लिया उनको। फिर ये शर्ट लिया जो कि 3/4 स्लीव्स का है,
तो पता नहीं मैं कब पहनूंगी या केक कब पहनूंगी। अब मैंने ऐसे ही उठा लिया क्योंकि बहुत अच्छा दिख रहा था। और ये टी शर्ट दिया इसने मेरे को, इसने दी वन पीस का ओवर साइज फिट मैक्स पैंटालूंस पहनेंगी, बहुत अच्छा है। इसके साथ ये और ये भी दिख दिया लिया मैंने, ये दोनों मुझे बहुत ही पसंद आए, प्रिंट बहुत ही अच्छा है। शॉर्ट्स ये उसकी है और मेरी और एक है सिंपल वाली, वो अभी नहीं है, धोने गई है। डीप फ्लेमिंगो बहुत ही अच्छी है, मुझे बहुत पसंद। अभी वो वॉशिंग मशीन में बैठी तो ये मुझे बहुत ही पसंद है। हो गया, मैंने लिया है ये आइकिया से छाता, जो बहुत ही अच्छा है, ब्लैक गोज विद माय एस्थेटिक। मैंने लिया ये क्रॉफर्ड से छाता जो कि मुझे बहुत ही पसंद आई है, जिसका कलर देखो उसको ओपन करने भी नहीं आती, और ये अम्ब्रेला यूज करेगी फिर भी नहीं ओपन होगी बहन। वो इसका प्यारा है ग्रीन कलर में, शेड ऑफ ग्रीन है। ग्रीन कलर का छाता नहीं था हमारे पास तो ये, और बहुत ही बड़ी है, लाइक ये ले लेते हैं एक। ये पड़ी हमको कुछ हाँ 350 में, क्योंकि बहुत ही सही दाम। ये भी 350 में ही आई क्या जी हाँ। और ये दार ये भी ये बहुत अच्छे हैं। तो यस यही कुछ लेके आए हैं हम, थोड़ी बहुत चीज़ें, और बाकी हमने रूम पे ही खर्चा है पैसा और ऑटो कैब वगैरह। तो यस ये था हमारी बॉम्बे टूर की समरी या शॉपिंग जो कुछ भी बोल लो। और यस अभी हमारी नेक्स्ट ट्रिप क्या है, किधर जाने वाले हैं, ये हम आपको जल्द ही बताएंगे, ये हमको भी अभी तक नहीं पता है, ये तो है। तो अगर आपको ये ब्लॉग या वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आए जब हम वीडियो पोस्ट करें। एट दिस पॉइंट एवरीवन नोज हाउ यूट्यूब वर्क्स, बट स्टिल हमारा ये हक बनता है आपको इन्फॉर्मेशन देना कि आप कर सकते हो सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब करो। राधे 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 राधे।